छोटी बच्ची ऑफ मारुति यार, ये चीज़ एकदम दिल का छोड़ देती है। मतलब 15-20 हज़ार और ले लो, बट ये इंडिकेटर वो RBM पे दे दो। हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष सिंह, वेलकम टू यूटी कार टेक। और आज अपने पास है छोटी बच्ची ऑफ मारुति अल्टो 800, और ये इसका VXI वेरिएंट है जिसकी ऑन रोड कीमत UP में लगभग 5 लाख के आसपास है। सो लेट्स डू अ क्विक वॉक अराउंड एट लास्ट, वी विल सी शुड यू कंसीडर इट और नॉट। स्टांस तो वही K10 वाला है, बट इंजन थोड़ा सा डिफरेंट। ये रहा इसका 800 cc 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 47 BHP एंड 67 Nm का टॉर्क। कोई इंसुलेशन वगैरह की जरूरत नहीं क्योंकि इंजन काफ़ी रिफाइंड है 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी। और इसका जो कर वेट है 850 किलो है, जिसकी वजह से ये 0-100 19 सेकंड में जाती है, तो इतना तेज़ी चलाने वाली गाड़ी है भी नहीं। और ये रहे इसके मल्टी रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प्स हाई बीम लो बीम के साथ। इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉग लैम्प वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं आने वाला। जो इसका ग्रिल है, नाम की ग्रिल है, मैट ब्लैक में दिया हुआ है, सुजुकी का लोगो, नंबर प्लेट की हाउसिंग हनीकॉम में इसका लोअर बम्पर आ जाता है, और जो एकदम लोअर इसका पार्ट है वो आपको बॉडी कलर ही मिलेगा। अब देखो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना 160 mm है, वैसे तो कम है, बट इसका जो व्हील बेस आपको मिलता है वो काफ़ी कम है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड क्लियरेंस इसके लिए मोर देन इनफ है। 12 इंच के इसमें आपको टायर आते हैं, छोटे मोटो से टायर हैं, मतलब जो इसकी टायर की थिकनेस वो 80 mm है, मतलब जिसकी वजह से राइड इसकी काफ़ी स्मूथ है। 145/80R12 की इसमें बैजिंग मिल जाती है, मतलब 12 इंच का इसका स्टील व्हील है। यार ये इंडिकेटर मतलब एकदम दिल का छोड़ देता है। फेंडर की जगह इसको RBM पे दे दो, 15-20 हज़ार और ले लो, बट इसको चेंज कर दो यहाँ से। अब यहाँ पे मिल जाएगी आपको, पहली बात तो RBM की बात कर लेते हैं। यहाँ से डंडी से आपको ये एडजस्ट करने को मिलेगा, कोई इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन वगैरह नहीं आता। ये रहा इसका एंटीना, यहाँ पे रहेंगे इसके वाइपर एंड वॉशर, उसमें दो नीले लगेगी बट एक सिंगल उसमें है। ये रही इसकी ओवरऑल फ्रंट विंडशील, फुल रूफ, फुल फ्लैट रूफ आपको मिलने वाली है। फिजिकल एंट्री इसमें आनी है, कोई पैसे वगैरह नहीं आएगी। स्ट्रिप मिली है विथ ऑल्डो की बैजिंग के साथ। आपको फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक आ जाता है ABS के साथ। अब इसका पूरा ओवरऑल रियर प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं ऑल LED हेलोजन टेल लैम्प्स, इन ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट वगैरह एक्सेट्रा के साथ। जो पार्किंग सेंसर है इसमें आपको दो ही मिलेंगे, साइज़ कम है तो उसके हिसाब से वो ठीक रहता है। नंबर प्लेट की हाउसिंग लाइट के साथ आपको हेलोजन लाइट के साथ मिल जाएगी। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, ऑल्टो की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। और इसका जो बूट है वो आपको की से ओपन करने को रहेगा, मतलब इसमें कोई मैग्नेटिक लॉक वगैरह नहीं आता। अब देखो इस हिसाब से अगर आप नंबर वाइज देखें तो 177 mm शायद इसकी बूट स्पेस है, जो कि ऐसे तो कम लग रही है, बट अगर आप पार्सल ट्रे रिमूव कर देते हैं तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और साइज़ तो यार गाड़ी का छोटा है, ये तो कितना ही लोगे इसमें। 37 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और इसकी माइलेज अगर आप आराम से चलाते हैं तो 20-22 की माइलेज आपको 800 cc का इंजन आराम से दे देगा। अब ये तो हो गई गाड़ी दिखने वगैरह में कैसे, मतलब बाहर बाहर का लुक। अब इसका इंटीरियर भी चेक कर लेते हैं। सेम VXI मॉडल वाली इनकी मारुति की जैसे की मिल जाएगी आपको लॉक अनलॉक के साथ, इसको अनलॉक कर लें। और यहाँ पर आपको जो डोर पैड है बेज और ब्लैक के थीम के साथ आएगा, यहाँ पर इसका मिल जाता है डोर ओपनर, ग्रैब हैंडल, और यहाँ पे डोर मतलब डोर पॉकेट आपको मिल जाएगा, बॉटल होल्डर वगैरह नहीं। और ये जो पुराने मॉडल्स में ऐसे आते थे इसके डोर लॉक। और ये रहा इसका हेडलैम्प लेबलर। अब इसके इंटीरियर में आ जाते हैं। सबसे पहले इसका इग्निशन ऑन कर लें, कुछ और सेम वैगनार जैसे, इसमें भी ऑरेंज थी। यहाँ पे आपको इसमें जो डिजिटल यूनिट है आपको राइट साइड में, इसमें डिजिटल यूनिट मतलब ब्रेक लाइट ABS वगैरह की, यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाएगी। मतलब मिड में आपको मिल जाता है इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पे इसका ट्रिप मीटर फ्यूल गेज के साथ। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मतलब जो माल फंक्शन की लाइट्स हैं वो यहाँ पे आपको दी जाएंगी। यहाँ मिल गया इसका वाइपर का कंट्रोल, हेडलैम्प्स के कंट्रोल, इसके AC वेंट्स, और ये इसके RBMs के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसमें कोई ऑटो डिमिंग वगैरह कुछ नहीं आता, आप इसको हाथ से ही एडजस्ट कर लीजिए। और इसका एरिया इतना मतलब छोटा है ना रियर का, कि इसके अंदर ये पूरी समा जाती है, तो आपको साइड में भी इसको देखने को आराम हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाता है इसका हजार्ड लाइट का स्विच, इसके AC वेंट्स, सेम इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वैगनार सेलेरियो इसमें भी वही आता है ऑल्टो में। यहाँ पर आपको इसके ब्लूटूथ वगैरह के सबके फंक्शन मिल जाएंगे। AC के जो नॉब्स हैं, इसकी क्वालिटी मैं सोचा नहीं था इतनी अच्छी होगी, बट काफ़ी अच्छी है इसकी क्वालिटी वगैरह। इसमें हीटर भी आपको मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, बट वॉट अंदर दिया हुआ है यार, ये चीज़ शिफ्टिंग स्मूथ लग रही है यहाँ पे। और जो हाँ, इसके जो विंडोज़ के कंट्रोल हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो विंडोज़ के कंट्रोल आपको यहीं मिड में मिलेंगे। ये रहा इसका हैंड ब्रेक,
और बूट स्पेस की बात कर लें इस कार के साइज़ के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। आप इसमें मतलब इसके सामान मैनुअल वगैरह सब बड़े आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे मिल गया इसका पैसेंजर साइड एयर बैग और ये रहा इसका ड्राइवर साइड एयर बैग। फोन भी ठीक है यार इसके मतलब साइज़ के हिसाब से गाड़ी जितने में आ रही है ना उतने में ठीक है। अब फटाक से इसका रियर स्पेस भी देख लो, थोड़ी सी दबी दबी ये गाड़ी फील होती है जैसे 6 फीट है। तो अब यहाँ पर तो वो कम्फर्ट मिलने ना वाला। डोर पैड सेम दो थीम के साथ आता है बट विंडोज़ के कंट्रोल आपको मैनुअल मिलेंगे। यहाँ आपको डोर पॉकेट वगैरह नहीं मिलेगा बट ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। अब देखो सेम वही चीज़ आपको नी रूम, बस इतना है कि आप बैठ बैठ जाएंगे इस गाड़ी में। जो रियर स्पेस अगर आपकी हाइट 6 फीट या 5'11" या 6'1" भी है तो बस इतना है कि आप बैठ बैठ जाएँ, दो लोग कंफर्टेबली इस पर बैठ सकते हैं। दो हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं, एडजस्टेबल नहीं है ना ही फ्रंट में ना ही आपको रियर में, आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ पार्सल ट्रे आपको भी XI मॉडल से भी मिल जाता है। हम जो है थोड़ा सा हाई है तो यहाँ पे एक बच्चा ही बैठ पाएगा, वो भी काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा। तो ये तो हो गई गाड़ी, देखो दिखने वगैरह में कैसे है, इंटीरियर वगैरह सब। नाउ लेट्स सी शुड यू कंसिडर इट और नॉट, और मतलब मिलेगी कहाँ से। सर्विस भैया सेम वैगनार वाला हाल इसका भी है, बस लोग इस गाड़ी को लेने लेने के चक्कर में भाग रहे हैं बट वेटिंग ज़्यादा है। तो कुछ आप ऐसा करिए कि गाड़ी तुरंत अवेलेबल हो जाए, गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप शोरूम का लोकेशन वगैरह बता दीजिए। शोरूम का लोकेशन टांडा रोड जी, अम्बेडकर नगर। ठीक है, तो अगर आप सैलरियो या मारुति के किसी भी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आई मीन ऑल्टो में लेके, तो आप रवीश भैया से कांटेक्ट करिए। तो कांटेक्ट सारी डिटेल हैं आपको स्क्रीन वगैरह मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो दिस वॉज ऑल्टो 800 2022 रिव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।